सोक्रेट्स सेड दैट ही वॉज राइट, यानी पहले मैं लिखूंगी सोक्रेट्स सेड कॉमा इनवर्ट कॉमा ओपन ही जो है किसके साथ मैच कर रहे हैं यहाँ पे, सोक्रेट्स के साथ, यानी आई एम राइट इन नॉट फॉलोइंग them, them को थर्ड पर्सन इसमें चेंज नहीं आएगी, फुल स्टॉप इन आउटर कॉमास क्लोज। चलिए आगे, आई टोल्ड हिम, ठीक है, आई टोल्ड हिम का क्या आ जाएगा यहाँ पे, आई सेड टू हिम कॉमा इन आउटर कॉमास ओपन। अब दे है, दे कौन सा है, ये थर्ड पर्सन इससे कोई चेंज नहीं आएगी, यानी दे मस्ट तो मास्ट ही रहेगा, मस्ट डू एज ही सेड। अब देखिए ये ही जो है किसके साथ मैच हो रहा है, सेकंड पर्सन के साथ, यानी सेकंड पर्सन यानी ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। ऑब्जेक्ट के साथ कौन सा मैच होता है, सेकंड पर्सन, यानी ही की जगह पे मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, यू लिखूँगी, यू सेड स्टॉप इनवर्ट कॉमास क्लोज। द ओल्ड मैन सेड दैट, द ओल्ड मैन सेड कॉमा इनवर्ट कॉमास ओपन दे ओनली, दे भी थर्ड पर्सन, तो दे से शुरू करेंगे, दे ओनली प्रिपेयर, प्रिपेयर का आएगा प्रिपेयर जस्ट सो मच द एज दे डीम एनफ। पास्ट को सिंपल में लेना है, प्रेजेंट में, और उसके हिसाब से उसको चेंज करना है। अब ये फिर से हम डायरेक्ट से इंडायरेक्ट जाएंगे, तो इससे टॉम सेड टू सिड, यानी टॉम टोल्ड सिड दैट, अब ये यू है, यू जाएगा सेकंड पर्सन के हिसाब से, यानी ही वुड किल मी, ये जो है फर्स्ट पर्सन जाएगा सब्जेक्ट के हिसाब से, यानी हिम फुल स्टॉप। द लेडी सेड, द लेडी सेड That I है ना, I first person जाएगा lady के हिसाब से, यानी she won't का आएगा, यानी will not है तो क्या आएगा, would not या wouldn't go on the top, first off he said to the lady, he told the lady that, you जाएगा object के हिसाब से, यानी that she must take that dog away, you will have pneumonia said the man to the lady, the man told the lady, you hai to lady ke hisab se jayega object ke hisab se, yani that she would have pneumonia, pne एन यू एम ओ एन आई ए निमोनिया। मिस्टर हडसन सेड टू मी, मिस्टर मिसिस हडसन टोल्ड मी दैट, अभी आई जो है सब्जेक्ट के हिसाब से, यानी मिसिस हडसन, या दी शी कुड जो है पास्ट, ये पास्ट में रहेगा, शी कुड शो, यू है वो जाएगा ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, यानी मी के हिसाब से, यानी मी वन, शी कुड शो मी वन, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया आज। आज के मैंने आपको दिए हुए हैं ये कुछ नए देखिए, ये कुछ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैंने आज आपको निकाले हुए यहाँ पे 17, हाँ 17 है ये, 1 2 3 4 5 छः है ये। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे दी हुई है पैसेजेस आपको बुक से निकाल के देखनी है और इन क्वेश्चंस को आंसर निकालना। जैसे पहली पैसेज है मार्गी इवन रोट अबाउट से स्टार्ट होती है, कहाँ तक, रीड इट द फर्स्ट टाइम, यानी पहली पैसेज आपकी यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, तो आपने इसके बीच में से ही इन क्वेश्चंस के आंसर निकालने हैं, खुद ही करोगे, उसके बाद मैं कल आपको एक्सप्लेन करवाऊँगी। ये आ गया एक, दूसरा आपका आ जाएगा ये आपकी दूसरी पैसेज है गी, यानी यहाँ से लेकर
कहाँ तक, वॉट इज़ इट अबाउट, वॉट इज़ इट अबाउट यानी यहाँ तक, इसमें से निकालने होंगे। दूसरी, तीसरी हमारी है मार्गी, यानी यही से स्टार्ट हुई है यहाँ से, यानी तीसरी हमारी यहाँ स्कूल तक पूरी है, फिर मार्ग से शुरू होकर तीसरी हमारी है काउंटी इंस्पेक्टर तक, यहाँ तक, और चौथी हमारी है यहीं से, यहाँ से ही से लेकर टाइम तक, समझ आ रही है। इनके क्वेश्चंस आपने निकालने हैं। ये हो गया, ये आज मैंने आपको बताया हुआ कि मैं आपको आज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को दिखाऊंगी किस तरह हमने ये फ्रॉम इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट में लेना है, ठीक है। तो पहला मैं आपको दो तीन सेंटेंसेस आपको यहाँ पे चार करेंगे, उसके बाद फिर बाकी जो है आपने वो खुद करने हैं। शी आस्क्स, अब देखिए शी आस्क्स, शी सेज, ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंट में है रिपोर्टिंग वर्ब, तो आपने क्या करना है यहाँ पे कोई भी चेंज टेंस में नहीं लानी है, यानी शी जो है वो फर्स्ट पर्सन है, यानी सब्जेक्ट के साथ जाएगा, यानी आई एम लुकिंग, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव ये इंट्रोगेटिव है, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे, एम आई लुकिंग फाइन, एम आई लुकिंग फाइन क्वेश्चन मार्क और नोट ऑफ इंट्रोगेशन, समझ आए। इसी तरह दूसरा है ही आस्क्ड, ही आस्क्ड, ही आस्क्ड आएगा, ही आस्क्ड कॉमा इनवर्ट कॉमा ओपन, ही जो है ही के साथ मैच कर रहा है, यानी आई वॉज, ठीक है, आई वॉज का आएगा, वॉज का प्रेजेंट है इज, लेकिन आई के साथ क्या लगेगा, एम, यानी एम आई नॉट डूइंग माई वर्क क्वेश्चन मार्क नोट ऑफ इंट्रोगेशन। माधुर आस्क्ड पाविन, यानी माधुर सेड टू बाविन कॉमा इनवर्ट कॉमाज ओपन, ही जो है ये ही जो है यहाँ पे किसके साथ, क्योंकि यहाँ पे माधुर ने बाविन से कहा कि मैं उस दिन जल्दी ही ऑफिस से आऊँगा, यानी ये इसी ने कहा है, किसने, माधुर ने कहा हुआ, यानी आई आएगा यहाँ, यस इफ़ ही कुड कम ईजली, माधुर ने बाविन से कहा। देखिए ये क्वेश्चन है, हम इंट्रोगेटिव कर रहे हैं इस टाइम, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, क्या तुम ऑफिस से जल्दी आओगे, तो ये ही जो है किसके लिए है, इसके लिए है, यानी यहाँ पे यू है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा विल, वुड का पास्ट रहेगा विल, यू कम अर्ली दिस डे फ्रॉम ऑफिस क्वेश्चन मार्क नोट ऑफ इंट्रोडक्शन, विल यू कम दिस अर्ली दिस डे फ्रॉम ऑफिस, ठीक है। आर्यन आस्क्ड नेहा, तो आर्यन सेड टू नेहा कॉमा इनवर्ट कॉमाज ओपन, नेहा लड़की है, आर्यन लड़का है, तो शी है, ठीक है, शी कुड सॉल्व दैट पजल, तो कुड का प्रेजेंट कैन, शी जाएगा किसके हिसाब से, नेहा के हिसाब से, यानी ओरिजिन, यानी कैन यू सॉल्व दिस, दैट का आएगा दिस पजल क्वेश्चन मार्क, शी रिप्लाइड दैट शी कुड नॉट, शी सेड कॉमा इनवर्ट कॉमाज ओपन आई cannot stop your comma close, ठीक है। ये हमारा interrogative नहीं है, ये assertive है, ये हमारा interrogative है। ठीक है बेटा, आज इतना काफ़ी है। ये बाकी sentences कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 sentences try कीजिएगा आज।